हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो है इट्स ऑल अबाउट डेनविक, जो अभी रो रहा है। डेनविक का हम पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। अभी 9:30-10:30 हो रहे हैं, 9 बजे वो उठा था। वो जनरली 8 to 9 o'clock के बीच में उठता है और रात में बेचारा कुछ भी नहीं खाता, उसको बहुत भूख लगी है, तो सीधा ब्रेकफास्ट करवाते हैं उसको और फिर बाकी की बात करते हैं। डेनविक का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है, मैंने कोई वीडियो नहीं लिया था बिकॉज वो फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाता और उसके बाद ये बनाना खा रहा है। ओट्स बनाना में थोड़ा सा बनाना बचता है क्योंकि ये अभी जो मैं बनाना लाई हूँ वो काफी बड़ा है, तो वो फिर आधा थोड़ा खाता है। और अभी मैं पॉटी सीट लेके आती हूँ और वो रो इसलिए रहा है बिकॉज उसे मोबाइल चाहिए जो मम्मा देने नहीं वाली है। ओके, सो डेनविक को अभी मैं थोड़ा पॉटी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट करके बाकी सारे कामों में ये एक पीछे छूट जाता है जो मुझे फोकस करके करना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और उसके बाद मैं बिठाती हूँ। तो मोस्टली उसका ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो पॉटी होता ही है, तो वो एक एसोसिएशन रहे कि इस पर बैठ के पॉटी करनी है, तो वो मेरी कोशिश रहती है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो जैसे आप वीडियो बनाते हो और बच्चे बेइज्जती करते ही करते हैं, वैसे ही आज उसने पॉटी नहीं करी। तो एनीवेज उसके बाद मैंने उसको नहला दिया था और उसको रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही थी, तो वो मेरे साथ बाहर खेलता है थोड़ी देर, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसे थोड़ी देर खेलने ले देती हूँ ताकि उसको सनलाइट भी मिले। और फिर उसका टाइम होता है मिड मॉर्निंग स्नैक का, अराउंड 11:00, 11:30 के बीच में। तो मैं कोई भी एक फ्रूट देती हूँ, कभी कभार स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या फिर एप्पल या फिर ऑरेंज, जो भी अवेलेबल होता है ना वो थोड़ा सा मैं उसे फ्रूट देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि फिर उसका लंच का भी टाइम होता है और वो बहुत एंजॉय करता है। ओए, चलो कम डेनविक, कम। तो फिर उसका प्ले टाइम होता है क्योंकि हमारे घर का हाउस हेल्प भी आता है, तो उसके साथ वो थोड़ा खेलता है और मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, तो तब मैं उसका खाना बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उसका उपमा। तो यहाँ पे ये सर वेजिटेबल, प्याज, टमाटर एंड बॉइल्ड आलू था, और बीच बीच में बेबी का उठ गया तो उसका भी आवाज़ आएगा। थोड़े राई का मैंने तड़का लगाया है। उसका खाना मैं घी या फिर ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम घी रहता है। फिर मैंने प्याज, टमाटर एंड आलू बॉईल किए हुए डाल दिए, और फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, बहुत कम ऐड किया है, सॉल्ट थोड़ा सा। एंड फिर यहाँ पे मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, ये रोस्टेड है, अगर नहीं है तो आप रोस्ट कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके बस पानी ऐड कर दूँगी इसमें, थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करती हूँ क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट मैं बनाती हूँ, और थोड़ी देर उसको कुक कर लेंगे। और ये हमारा खाना जो है बीबी का वो रेडी हो चुका है उपमा। उसे दही के साथ खाना पसंद होता है, तो मैं उसे खिला रही हूँ दही के साथ। तो इस तरीके से आज का लंच है उपमा एंड दही। तो वेजिटेबल्स में और आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर हो गया, मटर हो गया, बट आज मैंने मिनिमल चीज़ों से बनाया है। सो लंच उसका अराउंड 12:30, 1 o'clock या 1:30 तक हो जाता है, और फिर मैं उसे अराउंड 2:30 सुलाती हूँ। डिपेंड करता है वो कितने बजे उठा था, वो हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। और कभी कभार 1 घंटा भी वो सोता है, कभी कभार 2 घंटा भी वो सोता है, डिपेंड करता है टोटली उस पर ये सारी चीज़ें। सो उठने के बाद मैं आधे घंटे में उसको काव मिल्क देती हूँ, अराउंड 1 कप, तो वो काव मिल्क लेता है। उसके बाद मैं उसे यहाँ पे नीचे कम्युनिटी में लाती हूँ, बहुत अच्छी कम्युनिटी है यहाँ की, और उसे यहाँ पे खेलना काफ़ी पसंद है, स्लाइड में बैठना पसंद है, तो वो अराउंड 45 minutes to 1 hour यहाँ पे खेलता है, बहुत एंजॉय करता है। अभी वॉक करना आ गया तो वो भी उसे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे ग्रास में खूब अच्छे से खेलता है बॉल के साथ। और फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं और फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तो आज निकुंज लेट आने वाले थे तो मेरा ही खाना था, बट वो उन्होंने भी आके फिर डिनर किया था, बट डेनविक ने मेरे साथ ही खा लिया था क्योंकि फिर उसको मैंने थोड़ी देर टीवी भी देखने दिया था आज, क्योंकि पूरा दिन वो बेचारा घर में था। शाम को मैं सिर्फ थोड़ा उसे लेके गई
और डैडी भी आने नहीं वाले थे, नहीं तो क्या होता उसको एक चेंज मिल जाता है। तो थोड़ी देर मैंने उसको टीवी लगा के दिया और मैं खा रही थी डोसा चना, तो उसे भी खाने का मन था तो वो टीवी देखते देखते आ रहा था और मेरे साथ डोसा उसने ऐसे ही खा लिया। अदरवाइज़ वो ऐसे विदाउट टीवी ही खाता है। मैं उसको दिन में आधा घंटा जैसा टीवी देखने देती हूँ। उसे बॉलीवुड सॉन्ग देखना बहुत पसंद है तो वो ही देखता है और बस एंजॉय करता है। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे एंड ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है। तो मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी तो मैंने एंड ही नहीं किया क्योंकि कल रात 12 बज चुके थे। निकुंज कहीं बाहर गए थे तो उनको आते आते 10:30 हो गए, फिर हम लोग 12 बजे सोए। सो डेनविक का एज सच कोई नाइट रूटीन है नहीं, वो ऑलमोस्ट 11 o'clock सो जाता है पर खुद से नहीं सोता। जब तक हम जाके रहते तब तक वो जागता है, फिर हमारे साथ हम बेड पे जाते तब वो खेलते खेलते सो जाता है। वैसे खुद ही सोता है पर वो खेलते खेलते सोता है, अकेला ऐसे सो नहीं जाता। बहुत ऐसा रेयर केस में ऐसा होता है। सो यस, सोते सोते 12 बज गए, वो 8:30 मॉर्निंग में उठ गया। तो कल का डे मतलब पेरेंटिंग ऑल अलोन था क्योंकि निकुंज को आते आते काफ़ी टाइम लग गया, तो पूरा दिन मैं उसके साथ खेली। और डेनविक जनरली इतना क्रैंकी और रोता नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, बच्चे को कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट कल क्या था ना, मतलब अब उसे समझ में आता है कि मोबाइल है, मोबाइल को पकड़ना है। वो एज सच कोई यूट्यूब में वीडियो ऐसा कुछ नहीं देखता है, बट उसको समझ में आता है कि हर कोई मोबाइल लेके घूमता है तो मुझे भी लेके घूमना है। तो वो हम जैसे फ़ोन पकड़ते हैं उसे भी पकड़ के लेके घूमना है, तो ऐसा सब है। इसीलिए वो फ़ोन पकड़ने के लिए क्रैंकी हो रहा था। और हाँ बस ऐसा ही है, ऐसा जो उसका रूटीन थोड़ा बहुत ऐसा उधर उधर होता रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।